अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज यसरा का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। यार नए कपड़े लग गए, रैपर है ये तो। गा के दिखाएं ना कर मेरे सब्सक्राइबर बाबूजी। मुझे नहीं पता था कि इस पार्ट के ऊपर इतना हंगामा क्रिएट हो जाएगा, ऐसे बदतमीजी की। और जो मुझे शुरू से देखते हैं वो जानते हैं इस बात को। एक दुनिया है मचती, चल पड़ जांदा अख दी और खोरे के में मारे अक बच पे आ पैर नहीं पैर का दा पिया सारा जित लिया शहर सारा शहर मंगे खैर जो कट दे आ पैर जिस सुन दे खड़ाक बलो से। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज यसरा का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। गलती से ये जीआर बंद की है और बस अब इसको मसले पड़े हुए हैं। इतने कोई डीड हमारी क्लास है ना, कब से मैसेज कर रही है ग्रुप बना लो लेकिन नहीं बना रहे। लेकिन अब मज़ा आएगा, मैम ने कहा है कि सिफर मार्क्स भी होंगे और ग्रुप भी ऐसे बनाओगे दुनिया याद करेगी। आप देख सकते हैं कि मैं इधर लंबे लंबे मैसेज कर रही हूँ, ये कह रही है लिख अलर्ट आगे रेड रेड बत्तियां डाल दे। जो एम्बुलेंस में नहीं होती वो वाली, वो बत्तियां डाल देगी, इनको पता चला कि यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा। और मैं तो कहती हूँ लग जाए जीरो नंबर जो मेरे मित्र करवा रहे हैं। और आज मेरी एक क्लास है ठीक है, और हमने बहुत मजा करना है। और मेरी दोस्त जो है ना कहती है ना खुदा वास्ता उसका यूट्यूब को ना छोड़ा कर, बस दो मरे छोड़ दे यूट्यूब ना छोड़ा कर, अभी इसने ब्लॉग स्टार्ट किया। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या क्या करूँगी। कैसी कह रही है ये दिखा, यहाँ पे डंडे लगाएंगे नहीं किसी लगी है। सुबह सुबह हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है, जो जो इक्रम एडमिशन लेना चाह रहा है वो देख ले। आज मेरा हाथ भी हिलाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। जे तुसा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तुसा फिर तुसा दफे हो। यार लोग कहते हैं ना आप व्लॉग में बोला करें इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलो। इंग्लिश बोलने में क्या मसला, इंग्लिश 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 बस बात करते हैं इंग्लिश इंग्लिश। सबकी मुरादें पूरी होगी। मतलब यार अजीब यार, जो हमारी एक लैंग्वेज है हमें उसको बोलना चाहिए ठीक है। और मैं तो पंजाबी बहुत अच्छी बोल रही हूँ, बट मैं ब्लॉग में जो है ना बहुत डिसेंट तरीके से मैं बोलती हूँ, और लोगों को फिर भी लगता है कि मैं डिसेंट तरीके से नहीं बोलती हूँ, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मेरा मास्क ख़राब है, और अभी जो है ना मेरी इंग्लिश की क्लास है, और ये ऐसी क्लास होती है जिसमें जो मैम भी जो है ना सोई होती है। क्या कहूँ मैम, आपको मैं बताऊँ ना, मैम ना एयर यूनिवर्सिटी से आई है ठीक है, और मैम ने एयर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम कर दिया। और गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा, आप ये चेक करें, इन्होंने सारे यहाँ पे ग्रीनरी लगाई है यूनिवर्सिटी की, इतनी खूबसूरती अब भाड़ गई है, अब दिल करता है इस यूनिवर्सिटी को देखने का। आप ये चेक करें, ये चेक करें, आप इसको भी चेक कर। और ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये बोली है कैसे भागेंगे। यार नए कपड़े लग गए, पहले वाइट कलर के थे, लेकिन यार ये डिजाइन कौन करता होगा, अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन जो पहनेगा ना वो फजूल ही होगा, वो बुरे लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी चेंजेस आई हैं, यहाँ पे ये बनी है आइसक्रीम, और आप देख सकते हैं बनाया किस चीज़ से, पता नहीं क्या है ये, वो है रैपर है ये तो, सात रैपर आई थे मुझे टॉफियों का, ऊपर भी नीचे कल किसने बनाया ये। और ये जो है ये क्या बना, ये मैरीन लाइफ लाइफ होनी। अच्छा ये अलादीन है, अलादीन है ये अलादीन बना हुआ है। और ये क्रिसमस क्रिसमस, ये रही बारबी ठीक है, बारबी का ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन ये भी बारबी जा रही है। फ्लॉप म्यूजिक, फ्लॉप म्यूजिक ये भी ऊपर बने हुए हैं क्या, कल आर्ट। और ये देखिए आप वेव बना हुई, और ये पता नहीं क्या बना हुआ, चेयर बनी हुई ठीक है, बस जो भी ये समझ नहीं आ रही। लेकिन ये पूरा जो है ना कुछ ऐसे दिखता है। और आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी जो है ना काफी चीजें बनी हुई है, टाइम वेट करते हैं। ये देखिए इसमें दो कपड़ा, और आप ये देखिए कि ये बंदी ये चीज़ें ना लग रहा है किस पेंटिंग हुई है कुछ, लेकिन गौर करें तो ये देखिए ये सब बना हुआ है। ये चीज़ चेक करेंगे, ये चीज़ ज़्यादा मज़े की है, ये क्या बना हुआ, मैंने तो बनाई है सारी। और ये सारा डिपार्टमेंट जो था ना ये फैशन का था, और इधर पीछे भी सब कुछ फैशन का था। एक दिन हम ऐसी डिग्री ले के हम यहाँ से जाएंगे देखना। और यहाँ पे आवे जो है ना, आवे जो है ना इधर ऑडिटोरियम में जो लोग हुआ ठीक है,
और ये सारा डिपार्टमेंट ना हमारा नहीं है और हम इधर फिर रहे हैं क्योंकि हमारी भी क्लास नहीं है। और ये जो है ना मीडिया ब्लॉग है, एडिटिंग लैब है, उस लैब के अंदर ना ये सब चीज़ें होती हैं, चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की। कल आज मैं स्पीच करने के लिए आ गई। ये हॉल है, हॉल देखो, इनको छोड़ा। ये जो दो बीच में चढ़ेले आएंगे इनको इग्नोर करें आप लोग। ये जो माइक है ना ये नहीं खुलता, गा के दिखाएं यूसरा। क्या कहूँ, गा के दिखाएं ना कर मेरे सब्सक्राइबर बाबू जी। कर तो दिखाते भी यहाँ पे ही चल के। कोई बंदी है जिसका 10 बार पहले ही व्लॉग में देख चुकी। अच्छा ठीक हो गया, बना रहे। वाओ आप देखिए ये वो दे रही है क्या। ठीक है ठीक हो गया, इतना जब मैं कैमरे के पीछे दूंगी। अल्लाह हैर करे। ओह बस आज फिर काम तमाम है। देखा देखा, इसको ये नहीं लिखना आता, नर्सरी क्लास में सीखा ही नहीं। नर्सरी क्लास में यही तो सीखते हैं हम। हाँ वैसे ही बात है, मैं यही आता हूँ। ऐसे मैंने ज्यादा अच्छा लिखा था। तोबा तोबा, रुक जाओ। मैंने डिसेंट तरीके से लिखा था, आप जो है जाहिलाना तरीके से। नहीं नहीं आप ये देखे, ये देखे। यू भी नहीं देखना था मुझे तो। आप लोग देख लें, वाकई पूरी जाहिल है। ये यासरा क्यों लिखने लगी हो? वाकई जाहिल है यासरा, आप इकरा में पढ़ के जाहिल हो चुकी। जरा अच्छा नहीं लिखा। और तुमने ब्लॉग नहीं चेक करो, वीडियो में ऐड करने की चाप चांस भी। ये आप लोग देख रहे हैं यूसरा ये कर रही है, और हमारे पास एक फैन आया है यूसरा का चल के, ये जिसने अब मुंह उधर कर लिया है, बोल रहा है कि मुझे लिए भी रिश्ता डालो यूट्यूब पे। शायद हम एक काम करते हैं, मैं आज से अपना कारोबार शुरू करती हूँ। 50 रुपए सबसे लेना। 50 रुपए कम है यार, लाख रुपए की डिमांड होती है। करती हूँ कब चेक करें क्या लग रहा है ये। मैंने ये सब मैंने किए। तो गाइस अभी जो है ना मैं घर जा रही हूँ, मेरा आज का सिर्फ इतना ही था क्योंकि मेरी आज एक क्लास थी, और मेरे मास्क को इग्नोर करें कि मेरा मास्क बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। और आज मैं इस वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने एक क्लास फेलो को ले लिया अपने व्लॉग में, तो जो मेरा व्लॉग शुरू से देखते हैं उनको ये चीज़ जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी अरे गहरे बंदे को मैंने व्लॉग में नहीं लिया। बट कल बैठे बैठे मजाक में बात हुई, तो उसके कहने पे, उसके बिल्कुल इस तरह क्लियर करने पे कि यार ठीक है जाने दो व्लॉग में, इस बात पे एग्री था वो, तो मैंने व्लॉग में ये पार्ट डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि इस पार्ट के ऊपर इतना हंगामा क्रिएट हो जाएगा, तो मेरी अच्छी बात है कि मैंने वो पार्ट डाला, और उससे मैंने ये सीखा आज के दिन क्या लाइफ का पहला एक्सपीरियंस और पहला सबक मेरा यही था कि आइंदा किसी को भी व्लॉग में नहीं देना। आप लोगों को मैं अपनी यूनिवर्सिटी की डेली लाइफ, डेली रूटीन दिखाया करूँगी जैसे दिखाती हूँ मैं। और इस व्लॉग के पीछे जिन जिन लोगों ने मेरे से बदतमीजी की, वो उनको अल्लाह सब कुछ है। और जो मुझे शुरू से देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं, क्या फलां फलां सब कुछ, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ। मैं कोई पीछे से शुरू से व्लॉगिंग करती नहीं आ रही, मैंने अभी स्टार्ट किया। इसी की वजह से मैं फेमस नहीं हो रही, मैं उस पार्ट को ऐसे ठा के बाहर फेंकूंगी, मेरे इससे कुछ भी नहीं होगा। पिछले जितने भी व्लॉग हैं आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किसी भी बंदे को नहीं लिया उस व्लॉग में, हालांकि मुझे लोगों ने आ के बोला कि यार हमें पार्ट में ले लो, हमें पार्ट में ले लो, लेकिन मैंने फिर भी किसी को नहीं लिया क्योंकि मुझे पता कि यार ये लोग आज कह रहे हैं ना ले लो, कल को जाके कोई ना कोई बात बना देंगे। और मेरी दोस्त कुछ कहना चाहिए बोलो। यही कि तुम्हारे लिए आज ये सबक का दिन था, सबक का इसके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों हम दोनों के लिए सबक का दिन था। खैर हम लोग अगला कल का दिन हम अपना और अच्छा गुजारेंगे। शहर में जाएं सब लोग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।